sir, to please come in the toss box, com box, to support our scorer, 12th man. और यस पहली गेंद से पहले आपका 12th man यहाँ पर आना अनिवार्य है. We have our scorers, we have live scoring. So team one architects की ओर से we have 12th man over here. Mozer के 12th man smiling coming here. You are invited. यस 12th man की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है. अच्छा 13th भी है. इनका भी बैकअप लेके चले. We have 13th man here as well. तो सपोर्ट होगा कॉम बॉक्स से. एंड नाउ अब चलते हैं मैदान की ओर. यहां पर पहले फील्डिंग करती हुई इस वक्त आपको ब्लैक आर्मी नजर आएगी. दैट विल बी द टीम एम अमोजा. एंड यहां पर ऑरेंज आर्मी आपको नजर आएगी. बल्लेबाजी करती हुई वो होगी टीम वन आर्किटेक्ट्स. 8 ओवर का मैच होगा. नियम की जानकारी आपको दे दी गई है. ओपनिंग सेरेमनी में भी इसका जिक्र हुआ था. 8 ओवर के मैचेस में आपको मिनिमम 6 गेंदबाजों का प्रयोग करना है. 6 में से एक गेंदबाज फीमेल होना अनिवार्य है. और आपका मैक्सिमम कोटा जो गेंदबाज का है वो है 2 ओवर का. आपके कोई भी 2 गेंदबाज 2 ओवर कर सकते हैं. अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ. स्कोरर इज रेडी, अंपायर इज रेडी, फील्डिंग टीम इज रेडी. एंड लेट्स प्ले. And started off really well. इस बार शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, पुल किया था और सक्सेसफुल किया था. 4 रनों के साथ पारी की है शुरुआत. पॉजिटिव स्टार्ट फॉर टीम वन आर्किटेक्ट्स. और इस बार थोड़ी सी थी दरार, गेंद हो गई दरार में से फरार और रन दे जाएगी 4. बैक टू बैक दूसरा चौका. एंड 2 गेंदों के बाद यहां पर स्कोर है 8 रन. वन आर्किटेक्ट्स जिस प्रकार से नाम है, आर्किटेक्ट्स डिजाइन बनाते हैं और इस पारी का जो शुरुआती डिजाइन है काफी खूबसूरत. 2 चौके के साथ पारी की शुरुआत की. अंपायर बॉल सर उसी फील्ड से आते हैं जहां पे स्पेस को डिजाइन करते, चीजों को खूबसूरत करते, जो जगह उसको और अच्छी तरह से करते. तो ये गैप निकालना और छोटी सी गैप में बड़ी चीजें बनाना फितरत है इनकी, पेशा है इनका. फैंटास्टिक बॉल, बहुत अच्छी शुरुआत है. एंड दिस इज द पॉजिटिव स्टार्ट. यहां पर शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी है लेकिन वन आर्किटेक्ट्स. ये कहते हैं ना संतोष सर, क्रिकेट अब चेंज हो चुका है. पहले एक जमान हुआ करता था क्रिकेट का जब क्रिकेटर मैदान पे आते थे, विकेट को भापते थे, नापते थे 22 यार्ड्स के बीच में जो विकेट होती है उसका मुआयना करते थे, जांचते थे, परखते थे. लेकिन यहां पर तो बल्लेबाज घर से ही रेडी होकर निकलता है. पहली गेंद पर चौका. एंड टीम वन आर्किटेक्ट्स क्या जबरदस्त स्टार्ट है. पॉजिटिव इंटेंट है. वी डोंट हैव एनी फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हियर बट द स्टार्ट इज गुड. और शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है. इस वक्त एक पॉजिटिविटी नजर आती हुई इनके खेमे में. और गेंदबाजी कमान पर अक्षय. अच्छे ये गेंदबाज है. तेज तरार गेंद. इस बार गेंद जाती हुई कवर्स के क्षेत्र में. इस बार रन निकल जाएगी. गेंद को दूरी मिली है पूरी. बल्लेबाज की मंजूरी. 4 और रन होगी. और ये गेंदबाजी अच्छी है. एक तेरी तो एक मेरी. और इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी. खड़े खड़े यहां पर बल्ला घुमाने का प्रयत्न था, रहे असफल. और गेंद गई सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में. आखिरकार एक डॉट डिलीवरी देखने मिली अक्षय के माध्यम से. इस बार पटकी हुई डिलीवरी फिर से पुल किया है. गेंद जाते हुए मिडिल विकेट के क्षेत्र में. खिलाड़ी नाराज है. साधारण सा एफर्ट था लेकिन इस बार 2 रन दौड़ कर किए हैं मुकम्मल. फील्डिंग बहुत बेहतरीन है. तैयारी बहुत अच्छी नजर आ रही है इस वक्त टीम एम अमोजर की. लेकिन इरादे कुछ और है टीम वन आर्किटेक्ट्स के. पहले ओवर की शुरुआत की है 16 रनों के साथ. 16 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओवर. स्वीट 16 दे से 16 रन आ चुकी है पहले ही ओवर में. जहां पे मिसफील्ड देखे, चौका देखा, अच्छी गेंदबाजी देखी. सर ऑलमोस्ट एक बुफे की तरह है कि जिसमें अलग अलग टाइप के आपको फ्लावर्स मिलते हैं और जब फ्लाइट में बैठते तो अलग अलग चॉकलेट्स मिलते हैं. ये ओवर भी बिल्कुल वैसा ही रहा सर. रन आए, फील्डिंग हुई, अच्छी गेंदबाजी भी हुई. ओवरऑल क्रिकेट बहुत बेहतरीन है. यहां पर जो भी
आपको क्रिकेटर्स नजर आ रहे हो, क्रिकेटर्स नहीं, दोज आर प्रोफेशनल्स, एंड टुडे प्रोफेशनल्स आर आउट ऑफ क्यूबिकल। एंड जिस प्रकार का पहला ओवर चला है, बिल्कुल यहां पर प्रशंसा करनी पड़ेगी, मैच क्रिकेट का कद काफी बेहतरीन था। इस बार खड़े खड़े गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, माजिद थी गेंद के पीछे, जब तक गेंद को फील्ड की करते दो रन लेने में रहे सफल, स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। पहली मैच में स्कोर की बात करें तो 115 रन लगे थे स्कोर कार्ड पर, और इस मैच में देखते हैं क्या लक्ष्य होगा। इस बार थोड़ा सा इंप्रूवाइजेशन देखने मिला था, लाइन और लेंथ की जो खोज थी। यस, गेंदबाज आते हैं, पहला ओवर होता है, वार्म अप स्पेल होता है, इस वक्त थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा, दिस इज अ वाइट बॉल, टीम वन आर्किटेक्ट्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड। और इस बार चलाया बल्ला, गेंद हवाई यात्रा करते हुए नीचे, खिलाड़ी और गलत पोते पे पहुंची है, रॉन्ग नंबर लग गया है, और इसी के साथ पहला छक्का। गई थी यहां पर सलामी जोड़ी जो मैदान में उतरी थी, नीलेश और सचिन की, नीलेश इस वक्त लौट चुके हैं अपने खेमे में। इस बार बैक फुट पे पहली गेंद पर आते, सात बड़े हिट का प्रयास, एंड खड़े खड़े खेला था वहां पे, खिलाड़ी थे तैनात, आसान सा मौका था, आसान सा तोहफा था, दोनों हाथों से किया कबूल, और यहां पर बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ टीम वन आर्किटेक्ट्स को। और वैभव आए थे, अच्छी तैयारी थी, जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रोक खेला था और जिस पोजीशन से उन्होंने स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल नजर आ रहे थे एक अच्छा बल्लेबाज आया मैदान में जो अच्छे रन बनाएगा, अच्छी बल्लेबाजी करेगा, लेकिन इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बड़ा स्ट्रोक खेला था आते साथ। पहले जब नया बल्लेबाज विकेट पे आता है, मैदान देखता है, यहां पर गैप्स आइडेंटिफाई करता है, लेकिन पहली गेंद जो शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, ललचाती हुई डिलीवरी थी, उस पर बल्ला घुमाया था, और खिलाड़ी ने यहां पर कोई गलती नहीं की, यहां पर लास्ट टू बॉल्स टू कम एंड हैट्रिक की कगार पर, दस्तक देने वाले पहले गेंदबाज बने हैं अभिषेक, क्या सी आर ई कप 2024 की पहली हैट्रिक मुकम्मल करेंगे गेंदबाज अभिषेक। लास्ट टू बॉल्स टू कम and this was a hat trick delivery, oh ho 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 ho, as per the rules and regulations there is no lbw here, nahi to bahut tez se तेजी से यहां पर मैदान में अपील होती है मैदान के हर ओर से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी है, अभिषेक ने अपनी टीम को वापसी दिलाई है, जो पॉजिटिविटी नजर वेल बोल, जस्ट टू रेक्टिफाई अंपायर सर, वन बॉल इज स्टिल पेंडिंग, सॉरी, हाँ, देयर वाज सम कंफ्यूजन with the scoring team, now it is clear and still one ball to come in this over, yes, they have rectified, they have reconciled and there's still a one ball pending in this over, aur abhishek achhi gendbazi kar rahe hain, jahan par team one architects ne ek decent start ki thi pehli over mein, jahan par 16 run darj kiye the, team m moser us waqt match pe penetrate karne ke liye ek opportunity dhoond rahi thi aur wo opportunity pradan ki hai गेंदबाज अभिषेक ने, इस बार फुल लाइन डिलीवरी थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, यहां पर शॉट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात है, एक रन एंड नथिंग मोर देन अ सिंगल आफ्टर एंड ऑफ ओवर नंबर टू, नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 21 रन्स, यस, पहली ओवर में 16 रन, दूसरी ओवर में 21 रन, और अब यहां पर थोड़ा सा कमबैक देखने मिला है अभिषेक के माध्यम से, जो 5 रन का ओवर है वो तो किफायती है, लेकिन उस पर जो 2 विकेटें इन्होंने चटकाई, 2 विकेटें, 2 सफलता इन्होंने प्राप्त की, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक रहा टीम एम मोजर का। एंड माजिद इज द न्यू बॉलर, तीसरी ओवर के लिए यहां पर बुलाया गया है माजिद को, और फुल लेंथ डिलीवरी थी, दिशा से बाहर थी, गेंद को सम्मान दिया, अंपायर का इशारा, दिस इज अ वाइट बॉल, माजिद को देखकर बिल्कुल आपको मोइन अली की याद आई, ऐसा लग रहा है मोइन अली को बुलाया गया गेंदबाजी की कमान पर, लेकिन ये मोइन अली थोड़ी सी तेज गेंदबाजी करते हैं।
और राउंड आर्म 3 से 4 कदमों का इनका रनअप है। गेंदबाजी के एक्शन बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई और बैक टू बैक 2 वाइड डिलीवरीज माजिद के माध्यम से अब स्कोर जहां पहुंचा है 23 runs एंड दिस इज ओवर नंबर 3। इस बार अच्छी है गेंद, ये गेंद अच्छी है, अंपायर की तरफ यहां पर अपील की थी और अंपायर ने यहां पर अपील को है स्वीकारा। यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ एंड हियर कम्स थर्ड विकेट ऑफ टीम 1 आर्किडेक्स इन द फॉर्म ऑफ संजय। So we'll have the first semi-finalist. Actually, Team Concept would be playing the first semi-final tomorrow. This is match number 2, Team 1 Architects versus M. Moses. This tournament is proudly organized by Space Engineering RPU, by Cyberspace, CyberAce, Signify, FLA, Unitile, Buildex, and Urban Space Tech. Well, thank you so much, all these big brands associated with this tournament. Thank you so much for being a part of this tournament. This event is proudly organized by Space Engineering. So this is match number 2, Team 1 Architects versus M. Moser. So quick recall of all our sponsors: CyberAce, Signify, Hefele, Unitile, Buildex and Urban Space Tech. Aur do wide deliveries ke baad ek behtareen safalta. इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, आखिरी मोमेंट पे यहां पर शॉट को चेक किया था, गेंद थोड़ी सी अंदर आई और यहां पर डॉट डिलीवरी दर्ज करते हुए इससे गेंद पर मोहर लगी डॉट की। अच्छी गेंदबाजी टीम एम मोजर की पहली ओवर में, जहां पे 16 रन बने तो उसके बाद पूरी टीम सतर्क हो चुकी है और सतर्क होने के बाद क्या गेंदबाजी है। वंस अगेन नाइस डिलीवरी बाय माजिद, इस बार फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी और अच्छा स्ट्रोक था, गेंद को सिर्फ कर्व किया, हल्का से बल्ला लगाया, जाती हुई डिक्लेयर्ड जोन में एंड हियर कम्स अ सिंगल फॉर द टीम्स टोटल। यहां पर इस मैदान पर पहली मैच में जहां पर 115 रन बने थे, सो दिस इज अ हाई स्कोरिंग वेन्यू, यू हैव अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ नॉकआउट मैच, इफ यू विन यू एंटर सेमीज एंड इफ यू लूज आपका सफर इस प्रतियोगिता में यही समाप्त होता है। सो यहां पर ये जो आप टीम्स देख रहे हैं, जो क्रिकेटर्स देख रहे हैं, एवरीबडी इज ए architect, is an architect by profession and they have been given this opportunity to play this match CRE 2024. So we are not expecting much, lekin jis prakar se Raj Nayak ka performance tha, jis prakar se Santosh ka performance tha, jis prakar se Sahib ka performance tha, jis prakar se iske pehle wali over mein gendbaz Abhishek ka performance tha aur jis prakar se Sachin ka performance tha, yahan par sarahana karni padegi. Ye professionals jo office mein baith gaye bilkul yahan par खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, यहां पे जबरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन दिखाया अब तक आज के दिन में और इस वक्त अच्छा शॉट है कारपेट के सहारे, यहां पर रन आउट का मौका था, गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त की, अब माजिद गेंद को पकड़ना चाहते थे, काफी नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन इस बार जीवन दान मिला और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने खेमे में। और लास्ट बॉल टू कम इन दिस ओवर, 28 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, जहां पर 16 रन बने थे पहली ओवर में, वहां पर कमबैक करने में अब बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल रही टीम एम मोजर। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी थी, काफी लेंथ नजदीक था लेकिन पुल करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी समझ के यहां पर बल्ला घुमाया था और गेंद और बल्ले की मुलाकात इस वक्त है अधूरी। ओवर की हुई है समाप्ति, 3 ओवर्स की समाप्ति में स्कोर इज 28 रन्स एंड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 क्रूशियल विकेट्स, अपर ऑर्डर के 3 बल्लेबाज लौट चुके हैं डगआउट में वापस और ओवरऑल अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस है। पहली ओवर में जहां पर 16 रन खर्च किए थे अक्षय ने, उसके बाद 2 ओवर में महज 12 रन खर्च किए टीम एम मोजेस ने। एंड नाउ और नेवर, परफॉर्म और पेरिश, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म, यहीं पे आपको जीतना है एंड यू एंटर सेमीज, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक अगेन टुमारो। अगर आज यहां पे आप हारते हो तो आपका सफर यहीं पे समाप्त होगा। एक प्रेशर होता है, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं सब एक साथ कलीग्स होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो कल ऑफिस में जाके जो अच्छा खेलेगा उसके बारे में चर्चा बनी रहेगी कि माजिद की बॉलिंग अच्छी थी, अभिषेक ने 2 विकेटें चटकाई थी और किसी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो बिल्कुल ये आने वाले हफ्ते में ऑफिस में चर्चा का विषय बने रहता है एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम हीरो हियर।
एंड वंस अगेन अभिषेक ब्रॉट बैक इन टू द अटैक. अभिषेक की बात कर रहे तो टीम के स्टार गेंदबाज है और चौथी ओवर में इनके दूसरे ओवर के स्पेल के लिए इन्हें बुलाया गया है. पिछली ओवर में जब आए थे दो विकेट अपने नाम की थी, इस बार सेम जहां से गेंद छोड़ी थी फिर से एक बार वहीं से गेंद पकड़ी है, इस बार कट किया है और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में. दो रन मिलेंगे जरूर. एंड टीम वन आर्किटेक्ट्स ऑरेंज आर्मी नाउ लुकिंग फॉर अ कमबैक. पहली ओवर में जो कठिन सवाल पूछे गए थे टीम एम मूजर से, एम मूजर ने उसका बखूबी जवाब दिया है. नाउ इट इज देयर टर्न, दे हैव टू फाइट बैक, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर मोमेंट, ग्रैब द मोमेंट. एंड अभिषेक ऑन बोलिंग मार्क. जब आपके सामने सामने वाली टीम का स्टार गेंदबाज होता है यस मुख्य गेंदबाज होता है तो आपकी रणनीति कुछ और होती है. यू हैव डिफरेंट प्लान्स, यू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज. लाइक इफ यू सी जसप्रीत बुमराह बॉलिंग फ्रॉम वन एंड, तो यहां पर बल्लेबाज अपना विकेट बचाने की कोशिश करते हैं एंड दो दे नो दे विल गेट देयर अपॉर्चुनिटीज. क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज. इस बार फ्रंट फुट बैक फुट, बैक फुट फ्रंट फुट दोनों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे और कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाज अभिषेक. एंड वंस अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉट डिलीवरी. इस वक्त चौके छक्के की जो तलाश है यस लगभग 14 से 15 गेंदे हो चुकी है, एक भी चौका छक्का देखने नहीं मिला है. एंड दिस टाइम हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास था, इस बार यस आगे निकल गए तो बहुत आगे निकल गए थे, वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा लौटना होगा अटक आउट में और वापस. Two balls to come in this over. Score is 31 runs. और अभिषेक के नाम पे एक और विकेट आप लिख दीजिए. यहां पर तीसरा विकेट, तीसरा कंट्रीब्यूशन, तीसरा झटका दिया अभिषेक ने इस वक्त टीम वन आर्किटेक्ट्स को. एंड न्यू बैट्समैन न्यू बैटर वॉकिंग इन टू द क्रीज इज बलवंत. इस वक्त अगर कोई अपनी टीम को वापसी दिला सकता है सो ही इज नन अदर देन बलवंत. लास्ट टू बॉल्स टू कम इन दिस ओवर. Balwant is the new batter. He'll face Abhishek, the star bowler of a team. I'm Amozer. Patki ki delivery. यस ये सही फैसला है, सही निर्णय है, क्योंकि जिसने जिसने अब तक अभिषेक के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की मंशा जताई है अभिषेक ने उन्हें पवेलियन में वापस बिठाया है. एंड अच्छे गेंदबाज है, स्टार बॉलर है अपनी टीम के. एंड हियर कम्स द लास्ट बॉल ऑफ अभिषेक स्पेल इन दिस मैच. फुल टॉस डिलीवरी, इस बार कैच का मौका भी है. फीमेल क्रिकेटर शी ट्राइड अ बेस्ट. यहां पर अच्छा अटेम्प्ट था, बिल्कुल गेंद तक पहुंच गई थी लेकिन यहां पर हाथ को आया मुंह ना लगा एंड गेंद गई डिक्लेयर जोन में. हियर कम्स वन रन एंड आफ्टर एडिंग वन रन द टीम टोटल्स यस सर टीम्स टोटल मूव्स ऑन टू 32 रन आफ्टर 4 ओवर्स. जहां पर पहली ओवर में 16 रन आए थे, आधे रन बने थे इस पारी के. पहली ओवर में धाकड़ शुरुआत थी, अच्छे गेंदबाज मालूम हो रहे थे, उनके रनअप, उनके बॉलिंग स्टांस है, उनके डिलीवरी स्ट्राइड से, उनके फॉलो थ्रू से एक अच्छे गेंदबाज मालूम हो रहे थे लेकिन जम के क्लास ली थी सचिन ने. उसके बाद जो गेंदबाजी देखने मिली है, उसके बाद जो कलीग्स ने यहां पर सपोर्ट किया है, कहते ना एक अंडर परफॉर्मर था और अंडर परफॉर्मर को यहां पर ओवर अचीवर बना दिया है पूरी टीम को अपनी गेंदबाजी के दमखम से. एंड यस नॉन अदर देन अभिषेक इज द स्टार कंट्रीब्यूटर, स्टार परफॉर्मर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट इन दिस मैच. स्कोर इज 32 रन आफ्टर 4 ओवर्स. 4 ओवर का खेल अभी आना बाकी है. एंड न्यू बॉलर इज ईशान, इज द न्यू बॉलर. ईशान के हाथ में अब गेंद थमाई गई है. टीम वन आर्किटेक्ट्स यू हैव सो मच टू लूज. विनर गोज इनटू द सेमीज, लूजर गोज टू होम, गोज बैक टू होम. पटकी हुई डिलीवरी, इस बार पुल किया है, पावरफुल किया है एंड स्क्वायर पोजीशन पे यहां पर खिलाड़ी तैनात है. रनआउट का मौका काफी नजदीकी एंड यहां पर साधारण रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते अंपायर गया नैया ऊपर एंड
आधी टीम डगआउट में वापस, आधी सेना मैदान में जाके धाराशाही होकर फिर से डगआउट में विराजमान हो चुकी है। एंड हियर कम्स प्रशीत न्यू बैटर एंड ईशान की अगली गेंद। गेंदबाजी का एक्शन बहुत अच्छा है आपको। यस सर, टीम इंग्लैंड की तरफ से परफॉर्म करते हैं टॉम करन, बिल्कुल उन्हीं की तरह इनका गेंदबाजी का एक्शन। अगर आप ईशान की गेंदबाजी का एक्शन देखेंगे थोड़ा सा रनअप टॉम करन का थोड़ा सा लंबा है। यस दौड़ काफी लंबी लगाते हैं, 30 yard सर्कल से दौड़ लगाते हैं, लेकिन ईशान का जो डिलीवरी स्ट्राइड है और जो पोजीशन पे आते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है टॉम करन के हाथ में गेंद थमाई गई है। एंड इस वक्त अच्छी गेंदबाजी गुडलैंड से, इस बार गेंद बीट होती हुई निकल गई सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में। एंड हियर कम्स वन मोर डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई टीम एम मोजर की। टीम एम मोजर यहां पर पार्टिसिपेट करने नहीं, जीतने आई है इन इरादों के साथ गेंदबाजी करती हुई। एंड टीम वन आर्किटेक्ट्स, If you want to win this match, this is the time. आपको इसी वक्त आपके गियर चेंज करने होंगे, गियर शिफ्ट करने होंगे, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, तभी आप इस मैच में जान फूंक सकते हैं। इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, गेंद लगी पैर पर, बिल्कुल स्टंप्स के सामने थी। यस एंड नियम के अनुसार यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर LBW, लेकिन इस वक्त अगर शायद एंड टीम वन आर्किटेक्ट्स, यू ऑल आर आर्किटेक्ट्स, इनकी स्पेशलिटी होती है कि कितनी भी जगह दे दो एक अच्छा डिजाइन बना के देते हैं, और इस वक्त काफी क्रिटिकल पोजीशन पे है, काफी मुश्किल स्थिति में है, बट दिस गाइस आर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ टू कम बैक, दे आर फाइटर्स एंड दिस इज द टाइम यू हैव टू। सचिन ही है, सचिन में है वो काबिलियत है, सचिन शायद इस टीम का तारनहार बन सकता है, संकट मोचक बन सकता है। जैसे संतोष सर बात करें सचिन की, क्रिकेट और सचिन, यस इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या होगा। यस जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन जब उन्होंने करियर समाप्त किया उन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ देके गया। टुडे इज नोन एज गॉड फादर ऑफ क्रिकेट, और सचिन नाम का ये बल्लेबाज बिल्कुल अपनी टीम को यहां पर कमबैक दिला सकता है। इस बार यस कोशिश जारी है, यस पूरी कोशिश करते हुए पूरी प्रयत्न लगाते हुए, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले की मुलाकात अधूरी है। आपको थोड़ा सा लाइन में आना होगा, आपको जज करने होंगे, सही समय पे बल्ला घुमाना होगा, टाइमिंग और जब पावर एक साथ आते हैं मैदान पे तब जाके बड़े स्ट्रोक से देखने मिलते हैं। इस वक्त पावर तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन टाइमिंग की कमी दिख रही है बल्लेबाजी में। फुल लैंड डिलीवरी ईशान की, अच्छी गेंदबाजी है ये, अच्छी गेंदबाजी है, एंड वंस अगेन अ डॉट अ डिलीवरी। एंड लास्ट बॉल इस वक्त प्रशित सामना करते हुए, गेंदबाज ईशान का, अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार है, पेस है, लाइन है, लेंथ है, ब्यूटी है, यू हैव कैरेक्टर एंड दिस इज हाउ यू बोल। और अगर एक गेंदबाज धाकड़ है तो दूसरा जाबाज है, एक धुआंधार है तो दूसरा धमाकेदार है, एक गेंदबाज सुपर हिट है तो दूसरा ब्लॉकबास्टर है। और ईशान की ओवर की समाप्ति में अब स्कोर नजर आता हुआ 38 runs after 5 overs, still 3 overs to come. 38 runs बने हैं 5 over के बाद। एक female over compulsory है इस tournament के rules के अनुसार, we have a female over compulsory in the 8 overs quota, and अब तक female गेंदबाज ने बिल्कुल यहां पर किसी को निराश नहीं किया है। पिछली मैच में आखिरी ओवर जब मानसी के हाथ में दी गई थी, मानसी ने अपनी टीम को जीत दिलाई, उसके पहले अपूर्व के हाथ में जब गेंद दी गई थी, अपूर्व ने जाते जाते की विकेट चटकाई थी, तो बोथ द फीमेल क्रिकेटर्स हैव इंप्रेस्ड। एंड इस वक्त देखेंगे टीम एम मोजर की ओर से फीमेल ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी की जाएगी। एंड नाउ वी हैव न्यू बॉलर, अक्षय जो कैप्टन है टीम के, 16 रन इन द फर्स्ट ओवर, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन टॉप के बैट्समैन शुरुआत के जो दौर में आउट हो गए थे इसी वजह से शायद टीम मार्केटेड थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन एक अच्छी टीम है, इनिशियल जो बैट्समैन उनके 2-3 थे वो शायद जल्दी से आउट हो गए। नो बॉल,
अक्षय ने पहली ओवर में शुरुआत की थी। अक्षय भी मौजूद है, सचिन भी मौजूद है, मौका है, दस्तूर है। और बिल्कुल यहां पर इस वक्त अब बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है, बड़े शॉट की दरकार है। और फिर से एक बार वो जोड़ी आपको मैदान के बीच में नजर आएगी। इस बार फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश, थोड़ा सा शरीर से दूर रहा गेंद, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर, और एक रन आसानी से यहां पर चहलकर्मी करते हुए पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। एंड वंस अगेन इट विल बी सचिन वर्सेस बॉलर अक्षय, जो पहली ओवर में धमाकेदार 16 रन आपको देखने मिले थे, वापस से एक बार फिर से वो कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा। दिस विल बी अ मिनी बैटल। फिर से एक बार अक्षय की वापसी और सचिन की वापसी, टीम वन आर्किटेक्ट्स की वापसी। इस बार खिलाड़ी रनों का मिला था मौका और लगा दिया खूबसूरत से चौका। और बहुत अच्छा स्ट्रोक था, एक फुल लैंड डिलीवरी यहां पर मिली, अंपायर का इशारा उंगली लिया। अच्छा वन डी, यस अंपायर बिल्कुल यहां पर थोड़े से उत्साहित, उंगली नीचे की जाने की बदला उंगलियां ऊपर थी। यस एंड आफ्टर एडिंग दिस वन रन स्कोर मूव्स ऑन टू 46 रन। अच्छी गेंदबाजी, पेस बहुत बेहतरीन जनरेट कर रखे, क्रॉस आर्म स्लिंग एक्शन है। इस वक्त फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में तेज तर्रार स्ट्रोक खेला गया कारपेट के सहारे, खिलाड़ी तैनात है, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एंड अब यहां पर एक चौके के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आती हुई टीम ऑरेंज आर्मी में, टीम वन आर्किटेक्ट्स में, अब थोड़ा सा कमबैक मूड में नजर आ रही टीम वन आर्किटेक्ट्स। एंड दिस टाइम गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में, हल्का सा मिसफील्ड और यहां पर एक रन मिलेगा, दौड़कर एक रन मुकम्मल किए अक्षय। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, पहली ओवर में जरूर 16 रन खर्च किए थे, लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पहली ओवर में जो 16 रन आए थे, बिल्कुल आपसे आपको वो ओवर नहीं चेक करने, कितने रन आए थे वो नहीं चेक करने हैं। एंड दिस वॉज द लास्ट बॉल, एंड यहां पर सिंगल के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। अंपायर सर एक मिनट रुकना है, वी आर काउंटिंग द बॉल्स, जस्ट अ सेकंड, यू हैव टू, आपको बॉलर्स को वेटिंग पे रखना है प्लीज। यस एंड हो गई, ओवर एंड हो गई। यस we were just reconciling the balls, and if we check the scorecard, score is 49 runs, still one away from 50 run mark. Yes sir, 49 runs bane hain, 6 overs ho chuki hain, 49 runs bane hain, ye 7th over hai, matlab 8 over will be mandatory female bowler बोलिंग द 8 ओवर, और 6 ओवर का अब तक खेल हुआ है, 6 ओवर में 49 रन बने हैं, जहां पर पहली मैच में 115 रन बने थे। और ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि सीआरई कप 2024 में काफी बड़े बड़े टोटल्स देखने मिलेंगे, क्योंकि राज नायक ने भी अकेले 74 रन बनाए थे। इस पारी पर रन बनते हैं, रन बना सकते हो, आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, आपको थोड़ा सा बहादुरी दिखानी होगी। एंड संदीप है गेंदबाज, इस बार कैच गई है हवा में, नीचे है खिलाड़ी तैनात, बहुत अच्छी पोजीशन पे आए और फ्लाइटेड डिलीवरी थी, अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहें जमाई रखी थी, लेकिन अंपायर का इशारा आखिरी मोमेंट पे गेंद थोड़ा सा डिप कर गया था, इसे कहते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी। जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं कुलदीप यादव, एंड हियर कम्स 6th विकेट फॉर टीम वन आर्किटेक्ट्स, एंड 6th विकेट विल गो ऑन 49 रन।
गच एंड संदीप ऑन बॉलिंग मार्क. पहला गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी था, एयर दिया था गेंद को. एंड दिस टाइम क्या बात है, स्लोअर डिलीवरी जो काम कर सकती है. यस, क्रिकेट में आपको नजर आता होगा कि गेंदबाज आता है स्लोअर डिलीवरी करता है, क्यों ना बल्लेबाज इसे आगे बढ़ के शॉट्स लगाए, लेकिन स्लोअर डिलीवरी का सामना करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपकी लाइन और लेंथ सटीक हो, जिस प्रकार से संदीप की लाइन और लेंथ है. इस वक्त फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी और इस बार गेंद थी रडार में, बड़ा स्ट्रोक खेलने की मंशा जताई थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सिर्फ गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड हियर कम्स सिंगल. और इसे सिंगल के साथ 50 रन पूरे कर चुकी है टीम वन आर्किटेक्ट्स. एक बार तालियां बजा, 50 रन बन चुके हैं टीम वन आर्किटेक्ट्स के. और यहां पर धीरे धीरे करते हुए आखिरकार 50 रन का आंकड़ा पार कर चुकी है टीम. और इस वक्त बैकफुट पे गए, हल्के से लेग कटर डिलीवरी, स्पिन का मिश्रण और फिरकी के जादू का स्लोअर डिलीवरी. आप अगर गेंद से पेस खींच लोगे, लाइन और लेंथ आपकी अच्छी होगी, गेंद को थोड़ा सा एयर दोगे, तो बल्लेबाज को यहां पर टाइमिंग के साथ ताकत भी लगाना होता है. एंड इट इज नॉट एन ईजी जॉब फॉर द बैटर टू हिट अ बिग शॉट्स ऑन दिस काइंड ऑफ डिलीवरीज. इस बार हल्की सी दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, टीम वन आर्किटेक्ट्स और दे आर लुकिंग फॉर बिग हिट्स. इस बार गेंद पुरानी हो चुकी है, टेनिस बॉल का जो क्रिकेट होता है पुरानी गेंद में अलग ढंग से ट्रेवल करता है एंड दे हैव द अपॉर्चुनिटी. और इस वक्त शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, बल्ला पहले ही घूम चुका था, गेंद जितनी उछाल की अपेक्षा की थी उतनी उछाल गेंद ने नहीं प्राप्त की, बल्ले के नीचे से निकल गई. इसे कहते हैं सब मरीन डिलीवरी, पनडुब्बी जैसे नीचे से निकल जाती है वैसे ये गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे से निकल गई. एंड इस बार बल्ला घुमाया है, गेंद गई है काउ कॉर्नर क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है. एंड यहां पर यस ये ओवरथ्रो के रन हो सकते हैं. दिस इज नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस सेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ विनिंग मींस यू एंटर सेमीज एंड लूजिंग मींस यू आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट. 7 ओवर का खेल हो चुका है एंड लास्ट ओवर विल बी मैंडेटरी बोल्ड बाय अ फीमेल बोलर. सो स्वप्ना बेस देसाई, देसाई विल बी द बोलर एंड स्कोर इज 52 रन. स्वप्ना, स्वप्ना जी आएंगी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर. अब तक आपने अपूर्व को देखा, अब तक आपने मानसी को देखा, अब यहां पर गेंदबाजी करने आएंगी सपना. जैसे कहते हैं ना, ये यहां पर अगर पार्टिसिपेट कर रही है 10 मेल क्रिकेटर्स के बीच में, तो यहां पे जीतेंगी या सीखेंगी, हारने का दरवाजा इनके लिए बंद है. एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, फीमेल क्रिकेटर्स हैव इंप्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस एंड टीम आर्किटेक्ट्स विल श्योरली नो डाउट दे विल लुक टू बिग हिट्स, हिट बिग स्ट्रोक्स इन दिस ओवर. लेकिन इस वक्त स्वप्ना जी के हाथ में गेंद थमाई गई है, देखते हैं स्वप्ना जी किस प्रकार से स्टार्ट करेंगी. 52 रन ऑन द स्कोर कार्ड एंड हियर कम्स फर्स्ट बॉल, आसान से डिलीवरी, इस बार गेंद गई हवाई हल्ला, नीचे है खिलाड़ी, कैच का मौका, दो खिलाड़ी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और यहां पर कैच छूटा है. लेकिन आखिरी मोमेंट पर जो फील्डिंग एफर्ट था वो बेहतरीन. और यस स्वप्ना जी क्या फील्डिंग एफर्ट है, क्या बात है, ओवर थ्रो के एक रन और हो सकते थे और अच्छा फील्डिंग एफर्ट रहा स्वप्ना जी का. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टीम एम मोजर, एक बार तालियां हो जाए यार, थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है. एंड पहली गेंद काफी बेहतरीन थी, पहली गेंद पे एक अपॉर्चुनिटी थी, 7वां झटका लग सकता था टीम वन आर्किटेक्ट्स को. एंड इस वक्त स्वप्ना जी ऑन बॉलिंग मार्क वंस अगेन एंड दिस विल बी अ वाइड डिलीवरी, वाइट बॉल, ये गेंद आपको दोबारा डालनी होगी. आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, टीम वन आर्किटेक्ट्स ने अब तक यहां पर 50 से 55 रनों के बीच में इनकी पारी चलती हुई. और इस वक्त फिर से सीधे बल्ले से खेला है, सीधा स्ट्रोक, सीधा खिलाड़ी मौजूद है और इस बार एक रन आसानी से पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं. अच्छा फील्डिंग एफर्ट, आपको पूरा टीम एफर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है, हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर कोई चाहता है स्वप्ना जी के ओवर को एक किफायती ओवर बनाया जाए. जब अपूर्व कर सकती है, मानसी कर सकती है, तो स्वप्ना क्यों नहीं कर सकती. 56 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. सर देखिए थोड़ा जो स्ट्राइक भेजे ना बल्लेबाज, उनको स्ट्राइक नहीं देनी थी, एक्टिंग कर रहे थे दूसरा रन निकालने के, ये कई बार हो जाता है, थोड़ा सेल्फिश तो हम लोग क्रिकेट में बनते हैं. यस स्कोर हो चुका अब तक 56.
और इस बार लेंथ अच्छी है, ये लेंथ अच्छी है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्वप्ना जी ने थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने की कोशिश की है। अगर ये लेंथ बिल्कुल गुड लेंथ पे अगर गेंद जाती है, थोड़ा सा एयर देंगी तो बिल्कुल जिस प्रकार से पिछले ओवर में संदीप ने गेंदबाजी की थी उसी प्रकार के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो इस वक्त स्वप्ना जी यस बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए अन्यकम्स बॉल नंबर 3 और इस बार निकल जाएगी बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से, स्टंप्स को हाई कहती हुई निकल गई, गिल्लियों के बाजू थी, 1 इंच का फासला था, ये क्लीन बोल्ड हो सकता था लेकिन गेंद पर मोहर लगी डॉट की। और इस बार कदमों का प्रयोग किया है और पुल करने की कोशिश है, गेंद जाती हुई थोड़ा सा मिसफील्ड है एंड ये थी दरार, दरार में से गेंद हो गई फरार, रन मिलेंगे 4। स्वप्ना जी डिजाइनर है क्या, गेंदबाजी भी सटीक हो रही है, शी इज पुटिंग द बॉल इन द राइट एरियाज, मानी जाती है अपनी प्रेसिशन के लिए, अपने डिजाइन के लिए, फैंटास्टिक डिजाइनर, फैंटास्टिक बॉलिंग ऑल्सो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, घर पे जाकर भी वो प्रैक्टिस ही करते थे, गेंदबाजी करने की कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे थे, घर पे, रेलवे स्टेशन पे, ऑफिस में, क्यूबिकल में, हर जगह। वेल डन। और इस वक्त प्रैक्टिस का नतीजा नजर आता है मैदान के बीच में, अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस है और तैयारी तो बखूबी मालूम होती है। यस, होमवर्क करके निकली है घर से, बिल्कुल ये इनकी गेंदबाजी में देखकर आप बता सकते हो क्योंकि इन्हें पता है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, कौन सी गेंद पे बड़े हिट्स लग सकते हैं। यस, काफी अच्छा, देखिए डिजाइनर काफी आला दर्जे के माने जाते हैं, टॉप डिजाइनर है, उनके जो साथी खिलाड़ी उन्हें डिजाइन बिगाड़ रहे, बीच बीच में मिसफील्ड कर रहे, लेकिन स्वप्ना अपना काम अच्छा कर रही है। वेल डन स्वप्ना, स्वप्ना देसाई, गुड बॉलिंग, इनफैक्ट वाइड होगा, ये वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, जा पहुंचेगा 62 पर, मात्र 10 रन खर्च किए सर, इट्स बीन गुड, 5 गेंदों में 10 रन, सबसे कम रन दिए अगर लेडीज की बात करें। ये चांस है कैच का, फैंटास्टिक कैच, और जाते जाते एक बल्लेबाज को साथ ले जाएंगे डगआउट में वापस। जस्ट अ सेकंड, सेकंड लास्ट बॉल पे सर,
slightly early. CRE Cup 2024. This is match number two. This is an important match because whoever wins goes to the semi-finals. That winning team will be one step closer to the CRE Cup 2024. The losing team has to wait for another year. It's a knockout tournament, so you have only one opportunity, but lots of time for you to bat and bowl because 8 overs of game, 6 bowlers, so you will have 5 minimum bowlers bowling. In fact, 6 bowlers bowling, 8 overs, couple of bowlers bowling 2 overs each, and 1 bowler from the female counterpart. So let's get started. We are slightly behind schedule. 8 over encounter, 63 is what the target is. Moser, they are in a very strong position. They can have a very small total. In fact, almost half the total of we had the first match. This is going to be important. This they have to bowl well. We need to slightly hurry up, hasten up. As soon as the innings get over, the next team should be ready to come in. We will not have that bigger break in between because we are slightly behind schedule. So let's save time so that we have the fourth match in time. Probably very few tournaments of 8 overs, so we have got the time to play this big over so that everyone gets an opportunity to play. Let's get started, guys. New ball, please. Match number two, this is 63 runs to chase, and Team 1 Architects have to make one great effort to come back into this contest. They have practiced really hard for this tournament, but they lost a few early wickets. Their top batters were out in the first 2 overs. That is the reason they are not able to stage a bigger total. Let's see whether they can defend a smallish total. It is almost adjusting your budget in the last week of the salary. Let's see what's going to happen now. 63 is what they have to achieve. 63 is what they have to defend. The Team 1 Architects. Down the leg side, we'll wait for the umpire's call. Yes, it is a wide. The umpire just moves in like Shah Rukh Khan, moves his hands around and declares it as a wide. Now, first run coming courtesy. They need to bowl it tight. They need to keep it tight so that they have some chance in the match. This is nicely bowled, equally well played. Good stop, great stop. That's how you field. The ladies have taught the men how to field properly now. They are the ones, they are saying, ki wo seeks a fielding karegi na. She is the one who's teaching them how to field. Both the ladies have done a great job. In fact, all the 4 ladies on show, they have been really good. They are putting their 100%, the most important part in this, they are confident about it. They are not worried about the failures. The men would be worried. Agar maine ball chhod diya, toh kal kya hoga? The ladies are not bothered about it. They are very, very brave over there. That's what you need to be brave there to win the match. Oh, that is Rahul Dravid on show now. Rahul Dravid, Cheteshwar Pujara put together. You do not see that very often in a limited over game where you play the ball and show some respect. You need to respect a few good balls. You need to take care of the bad ones, but you need to show respect to some good balls. That is what has to be there in the mind precisely. CRE Cup 2024 match number 2. This is very important match. Oh, that was slightly on the leg side. The fielder running behind it. And that would be a single. A single to take the score ahead. This has been a good over, not a bad one. They need to keep runs. They have to defend 8 runs per over. So they need to bowl overs which are less than 7 or 6. If they bowl a couple of overs like that, they might have an outside chance. Right now, they are doing it smartly. The Mosers, they are taking singles. Oh, played with soft hands. He wants to stay there for a longer duration. Lambi race ka ghoda hai. He does not want to give his wicket away. He wants to finish the match on his own. Does not want to take chances. A safe start for Mosers. He will take his time, and when the time comes, he is going to explode and exploit and explore.
down the leg side. Again, the umpire will turn around and give it as a wide. The two umpires which we have for Santosh Raut and Akash Murray, both of them well-known umpires in the circuit. Akash also a very good cricketer on his own. Right. On the hips and turned away for if he had allowed that to go, that would have been a single, and that's converted into a couple now. कभी कभी कुछ नहीं करना भी कुछ अच्छा हो जाए. That's the ad line of Cadbury's at times. अगर कुछ नहीं करो तो अच्छा होता. If he had not gone for it, allowed it to go towards the wall, it would have been just one run. They need wickets, as simple as that, to win this one. Shot and pulled disdainfully for the first. We'll wait for the umpire's call. Sir, how many runs? It is a boundary or a sixer, sir? It's a sixer. The first sixer, DJ. Score is 12, the target is 63, and they are still 51 runs away. Sachin is going to bowl the second over. He is their important player. He needs to pick a few wickets. They need a hat trick from Sachin. Very quick, but it is a no ball and an extra. So two runs would be added to the total. The score moves on to 14 runs on the scorecard. 14, just 49 needed now. 49 to win this one in the remaining 42 balls. The difference between the number of balls and the runs is just 7. Let's see what's going to happen. This is a crucial match. Sachin so is going to be crucial. He needs to pick a few wickets for his team if they want to come back and have any chance of coming back and winning in this tournament and staying alive. It is a knockout encounter. The one who wins the match goes through. Well, that is beautifully bowled. He was down the leg side. And with that single, the score will move on to 15. So 15 runs on the scorecard, 63 is what the target is, 48 needed in the remaining 41 balls. 41 balls, 48 runs, the difference between the number of balls and runs is just 7. They need him to fire. They need Sachin to pick a few wickets. He seems to be a very good bowler with good pace. He needs to focus on the stumps, destroy the furniture, get a few wickets and make a comeback. Sachin, a lot is dependent on this bowler. Let's see what he's going to do. That was quick. That was very quick. He's appealing on almost every ball. There is one wicketkeeper in world cricket who appeals on almost every ball. Mohammad Rizwan. But he's not. He's Sachin of Team One Architects. A very, very active member of Team Architects in the office and very active over here even. That is down the leg side. We'll wait for the umpire's call. The umpire will have to do the exercise again. A wide again. You need to stop extras. You need to be disciplined in life, in cricket, everywhere you go. You need to keep your basics right. Keep your basics right and you will be through any day. And that's what is expected. You do not have to do special things. You have to do the simple things in a special manner. That's what they say. Played with soft hands. They need to stop this and he's not happy, Sachin. They want to stop those singles. Another single. They are going in a methodic way. They are taking singles and if the opportunity comes, they are going for a big boundary. So, देखिए सचिन को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस मैच में अगर वापस आना है तो सचिन को एक दो विकेट चटकाने पड़ेंगे. Yes, बेहतरीन अच्छी गेंद. तो हर ओवर में इक्का दुक्का रन निकाल रहे, बीच में अवसर ढूंढ रहे हैं एक बड़ा हिट लगाने का. इस
चार गेंदों का खेल हो चुका है, रन संख्या जा पहुंची है 17 पर, 17 विदाउट लॉस वी आर इनटू द सेकंड ओवर। अच्छा ओवर रह चुका अब तक, मात्र 5 रन खर्च किए, 4 गेंदों में 5 रन, 4 बॉल्स एंड जस्ट 5 डिलीवर 5 रन्स। और दैट इज अ वंडरफुल पिकअप शॉट, विल इट गो ऑल द वे, हाउ मेनी रन्स सर, जस्ट अ सिंगल, इन मराठी दे दे झाड़े वाचवा आणि स्वतःला वाचवा, झाडे जगवा झाडे वाचवा, यार झाडांनी एक रन वाचवलाय तुमचा, बट दॅट सिंगल, इनफॅक्ट इट्स अ बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री, द स्कोर मूव्स ऑन टू 21, नथिंग अगेन्स्ट द नेचर, इट गिव्स यू बॅक 3 मोर रन्स, सो 21 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, 12 रन्स इन द फर्स्ट ओवर, 9 इन द सेकंड, इट हॅज बीन अ गुड ओवर सो फार, बट विथ दॅट बाउंड्री इट हॅज स्पॉइल्ड हिज फिगर्स, द लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर कमिंग अप, सीआरई कप 2024, द लास्ट बॉल। Oh, what a shot! Inside out, Surya Kumar Yadav, like one bounce into the fence, it goes just millimeter short of a sixer. That was a very good ball. Hard, play hard and enjoy a lot. That's what is more important. Enjoy your work, enjoy your play. That's how you go ahead in life. Enjoy whatever you are doing. Let's see what's going to happen in the third over. This is a crucial over. They are off to a great start, and Moses, they would like to continue with that. 25 runs on the scorecard. That was very well bowled. Just a solitary run to take the score to 26. CRD Cup 2024 organized by Space Engineering. We are thankful to our sponsor CyberAce, Signify, Hefele, Unitile, Buildex and Urban Space Tech. Thank you all for being a part of this wonderful tournament. These guys are enjoying and having a great time over here. That was beautifully well, equally well cut. What a shot that is, cut short just for one run. A very good shot, but due to the dimensions of the ground, we are not able to get a run more than that. With that single, the score will move on to 27 runs on the scorecard. Nishant is on strike. Oh, that is beautifully played. Again, in the same direction, same result. The score is 20. They do have some good bowlers. They had some great batters even, but they lost a few wickets in the initial part of the match. Yes, 29 runs on the scorecard. ये सारे लोग जगह का मैनेजमेंट करते हैं, फिलहाल तो जगह ढूंढ रहे, गैप्स ढूंढ रहे चौके मारने के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी, काफी तेजी से हिट लगाया था, गेंद गई दोनों टांगों के बीच में से, सिडनी हार्बर ब्रिज कहते हैं जिसे, बिल्कुल गेंद बीच में से निकल गई. इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा अब 30. आखिरी गेंद इस ओवर की, लास्ट बॉल, व्हाट अ गुड ओवर, दिस हैज बीन जस्ट 5 रन्स इन दिस ओवर सो फार. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूरत है ऐसी गेंद दो तीन ओवर्स की. और बड़ा हिट लगाया, गेंद जा रहा है स्क्वायर लेग की दिशा में, पहला रन पूरा तेजी से निकाला है, मिस फील्डिंग यहां पर. ये ऐसा कर दे, जब मैं ऑफिस में था, नया नया लगा था, जब कभी भी प्रॉब्लम आ जाती तो अपना मुंह फेर लेना, नहीं फेस करना है उसको, कई बार ऐसी मुसीबत हो जाती है. You need to face.
ये चौके रुकाना जरूरी है. स्कोर एट द एंड ऑफ ओवर नंबर फोर इज 34 विदाउट लॉस. सो 34 रन हो चुके हैं. तो डिमांड आ रही है, मांग आ रही है हमारे आसिम सर की, थोड़ा चटपटेदार कमेंट्री की, थोड़ा सा जान आ जाए इस टूर्नामेंट में, इस मैच में, क्योंकि एक तरफा मैच चल रहा है. देखते हैं माइक के बदलने के बाद, गेंदबाजी बदलने के बाद क्या होगा. 3 ओवर हो चुके हैं, रन हो चुके हैं अभी भी 34. जीत के लिए अभी भी 29 रनों की दूरी है, 30 गेंदों का खेल शेष है और रन बनाने मात्र 29. 30 balls 29 रन टू विन. ओवर टू आजम. थैंक यू वेरी मच सर. एंड 29 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम रिमेनिंग 30 बॉल्स. और इस वक्त टीम टीम एम मोजर इस मैच में एक तरफा इस मैच को बनाया है. एंड ऑरेंज आर्मी स्टिल हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू पेनिट्रेट. अभी भी इनके पास मौका है, एक दो विकेट. कहते हैं ना क्रिकेट में जब आप के पास मौके ना हो तो क्या करना चाहिए, गेंदबाजी में आप विकेट लीजिए. आप यहाँ पे 2-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की यहां लौटाइए, आप बिल्कुल मौके बनाते हुए नजर आएंगे. इस बार पटकी हुई डिलीवरी थी और बेहतरीन स्ट्रोक उठा दिया है, चला है बल्ला, निकली है गर्जन और रन मिलेंगे आधा दर्जन. और ईशान की ये सलामी जोड़ी, अब तक एक भी विकेट नहीं गिरा है टीम एम अमोजर का. और बीच बीच में जब ऐसा लग रहा है मैच में एंटरटेनमेंट चाहिए तो अक्षय आते हैं और छक्के लगाते हैं. और ईशान ने अब थोड़ा सा स्टांस बदल लिया इस गेम में. ईशान की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से आपने देखा है द ग्रेट विराट कोहली, इतने बड़े लेवल के बल्लेबाज है, लेकिन जब कभी देखते हैं ईशान किशन हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे केएल राहुल हो, अगर सामने वाला बल्लेबाज प्रहार कर रहा है तो यस अपने आप को रोल चेंज करते हैं और एंकरिंग वाली पारी खेलते हैं. इस वक्त एंकरिंग वाली पारी खेलते हुए ईशान बखूबी साथ देते हुए अक्षय का. एंड फुल टॉस डिलीवरी, इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, बड़ा प्रहार, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी है तैनात, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. एम मोजर जानती है लक्ष्य काफी दूर नहीं है, लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है, विकटों पे अब तक नियंत्रण रखा है, ज्यादा विकटे नहीं गवाई है और जहां जहां मौके मिल रहे हैं वहां वहां चौके लगा रहे और जहां जहां अच्छी गेंदें आ रही है उन्हें बिल्कुल सम्मान दे रहे. और इस वक्त अंपायर का इशारा और वाइट बॉल. अक्षय और ईशान की ये जोड़ी है टीम एम मोजर की ओर से 63 रनों का लक्ष्य था. यस, इस वक्त ईशान स्ट्राइक पर. और ईशान की बात करें तो बिल्कुल ईशान ने यहां पर कोई सवाल या निशान नहीं छोड़े, आप बिल्कुल इनके ऊपर कोई संदेह नहीं लगा सकते हो. बहुत अच्छी पारी है, अगर यहां पर लक्ष्य 8-10 रन प्रति ओवर का हो तो बिल्कुल ईशान जैसे बल्लेबाज की खोज रहती है किसी भी टीम को. इस वक्त बहुत अच्छा साथ दिया कप्तान का और स्विंग किया था, बल्ला घुमा था लेकिन गेंद गई डिक्लेयर जोन में एंड एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. अक्षय की बात करें तो अक्षय देखते हैं कि यहां पर ऑडियंस थोड़ा सा बोर हो रही है, मैच में थोड़ी सी औपचारिकता नजर आ रही है तो बीच बीच में एक एक छक्के पुश कर देते हैं, पुल कर देते हैं. और ईशान इस वक्त सिंगल डबल के सहारे स्कोर कार्ड को चलाते हुए इस बार सीधे बल्ले से खेला, दर्शनीय खूबसूरत स्ट्रोक है, कलाइयों के सहारे खेला गया था लेकिन बहुत ही अच्छा यहां पर फील्डिंग एफर्ट. और इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन पे खिलाड़ी को तैनात किया गया था, डॉट के साथ ओवर की हुई है समाप्ति. एंड 46 रन ऑन द स्कोर कार्ड और 4 ओवर हो चुकी है, जीत के लिए 63 रनों में अब 17 रनों की दरकार. यस, गेंदें बची है 30, जीत के लिए 17. जो टीम जीतेगी सीधा प्रवेश करेगी सेमीफाइनल में और जो टीम हारेगी उसका सफर यही पे आज के दिन में इस प्रतियोगिता में यही पे समाप्त होगा. सो दिस इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट है. इसके बाद का जो मैच होगा, आई जस्ट गिव अ कॉल आउट टू बोथ द टीम्स, यू हैव टू बी रेडी. टीम CBRE एंड टीम बियॉन्ड डिजाइन, बोथ द टीम प्लेयर्स, कैप्टन्स, यू आर
यू हैव बीन गिवन यूनिफॉर्म्स, आपको यूनिफॉर्म्स दिए गए हैं क्रिकेट के, यू हैव टू बी रेडी एंड यस हम आपको बिल्कुल यहाँ पर अनाउंस करके बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए सीबीआरई एंड बियॉन्ड डिजाइन, एज ऑफ नाउ यू हैव टू बी रेडी। प्रशित के हाथ में इस वक्त गेंद थमाई गई है, लंबे कद काठी के हैं और जब लंबा कद काठी का गेंदबाज तेज गेंदबाजी करता है तो आजकल एक ही नाम चर्चे में है, नाम है शमार जोसेफ। 7 विकेट लेकर जो वेस्टइंडीज में इतिहास रचा था कुछ उसी प्रकार की कद काठी नजर आ रही है और गेंदबाजी में अब यहां पर क्या पहले गेंदबाज बनेंगे अपनी टीम वन आर्किटेक्ट के लिए, विकेट चटकाने वाले। अब तक लगभग 4 से 5 गेंदबाजों को इन्होंने प्रयोग किया है लेकिन हर एक गेंदबाज असफल रहा है विकेट चटकाने में। अक्षय और ईशान की ये जोड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ा है अब तक निशान, नाम है ईशान। पटकी हुई डिलीवरी बहुत ऊपर थी, बहुत ऊपर थी, बल्ला घुमाया फिर भी गेंद तक ना पहुंच पाए और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, 1 for the over का भी कॉल आया है यहां पर, व्हाइट बॉल का इशारा दिया है और अब यहां पर सेकेंड गियर में अब पारी को चलाती हुई टीम एमोजर अब थोड़ा सा यहां पर रफ्तार दी है। पटकी हुई डिलीवरी थी, इस बार बल्ले का स्विंग किया था, बेहतरीन किया था लेकिन यहां पर संपर्क अच्छा नहीं, गेंद गई स्क्वायर लेग की पोजीशन में एंड हियर कम सिंगल। ईशान के बल्ले से अगर चौका निकलेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि जिस प्रकार से जो उनका स्टांस है और जो जिस प्रकार से गेंद का सामना करते हैं बिल्कुल लेदर क्रिकेटर नजर आते हैं और जब लेदर क्रिकेटर बड़े स्ट्रोक्स लगाता है तो आपको सराहना करनी पड़ती है। एंड इस वक्त गेंद गई वापस से डिक्लेयर जोन में, वंस अगेन दिस वाज अ शॉर्ट डिलीवरी एंड 2 रन मिलेंगे टीम एम। टॉस टाइम टीम सीबीआरई इज रिक्वेस्टेड टू कम इन, द कैप्टन एंड ऑल्सो बियॉन्ड डिजाइन बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू कम इन फॉर द टॉस। दिस मैच इज ऑन अ क्लोजर सो लेट्स गेट द टॉस डन एंड डस्टेड। वी आर स्लाइटली बिहाइंड शेड्यूल, थोड़ा देर हो चुकी है एक्चुअली टूर्नामेंट में, थोड़ा ज्यादा दो समय ले रहे, लेट्स कम फॉर द टॉस। और ये कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला और भुखमरी में अकाल, और इस वक्त जब रनो तो रोक लगाने की जरूरत है, वाइड डिलीवरीज की जरूरत नहीं थी यहां पर और अब थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी चलती हुई और बैकफुट पे गए, कट किया है इस बार, पुश करो खुश रहो यही बल्लेबाजी में इनका स्लोगन रहा है, यही नारा रहा है, इसी तरह से बल्लेबाजी की है। टू बॉल्स टू कम इन दिस ओवर, काफी लंबा ओवर इस वक्त क्योंकि वाइड डिलीवरीज देखने मिली है इस ओवर में। 51 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर और 51 रन में एक और रन जोड़ दीजिए एंड टीम एमोजर्स वेरी वेल प्लेड, 52 रन अब तक की सबसे बेहतरीन साझेदारी इस मैच में, ओपनिंग पार्टनरशिप 52 रनों की ईशान और कप्तान अक्षय। और यहां पर डिफेंसिव स्ट्रोक, क्या डिफेंस है, बिल्कुल ये आज का अगर टेस्ट मैच का दिन होता यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी कर रहे, जिस प्रकार का इन्होंने डिफेंस किया इस मैच में एंड स्टिल 1 ball टू कम इन दिस ओवर, अभी भी एक गेंद आना बाकी है लेकिन अक्षय के इरादे कुछ और है, अक्षय तो बिल्कुल ये यशस्वी है तो ये रोहित शर्मा है, सिर्फ छक्के चौके में सौदा किया अब तक और आगे बढ़े हैं इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद थी स्लॉट में, गेंद को पार्क किया है पार्किंग लॉट में 6 रन। So hard. She needs to get an over actually. She has practiced so much and just 1 or 2 runs to win. Why not give the over to the female member? 4 runs to win. Only 4 runs required. और जब इतना मुश्किल समय आता है तो बिल्कुल आपको महिलाएं ही बचाती है और जो प्रेशर को बिल्कुल झेल झेल कर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता है एंड दे नो हाउ टू अब्सॉर्ब द प्रेशर। इस वक्त 4 रन की जरूरत है एंड अब तक हर एक फीमेल क्रिकेटर ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को, स्वप्ना की बात करें, अपूर्व की बात करें, मानसी की बात करें, किसी ने निराश नहीं किया है एंड इस मैच में जस्ट 4 रन रिक्वायर्ड।
और ईशान की बात करें तो बिल्कुल ईशान टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, डिफेंस कर रहे हैं और वो शायद चाहते हैं कि सामने वाली टीम के जो फीमेल मेंबर है उनको भी ओवर मिले, तो शायद इस नेक्स्ट ओवर तक मैच ले जाएंगे। दे वॉन्ट हर टू बोल, दिस इज गुड, बिग हार्टेड पीपल, बड़े दिल वाले है। जब काम पे जाते हैं वहां पे भी छोटा ही टारगेट रहता है उनका, बड़ा टारगेट चाहिए ही नहीं ऑफिस में, छोटा टारगेट चाहिए। और इस मैच का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है मुंबई क्रिकेट पर, आप यूट्यूब पर जाइए मुंबई क्रिकेट टाइप कीजिए एंड यू कैन वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब चैनल मुंबई क्रिकेट। और इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग इन्होंने इंस्टाग्राम चैनल पे भी ऑन किया है, मुंबई क्रिकेट टाइप करना इंस्टाग्राम पे एंड यू कैन सी द लाइव फीड ऑन देयर इंस्टाग्राम चैनल। इस वक्त वाइड डिलीवरीज, यस बल्लेबाज चाहते हैं कि फीमेल क्रिकेटर को मौका मिले लेकिन गेंदबाज का इरादा कुछ और है। और यस बात चली थी अक्षय और ईशान की साझेदारी की, एक तरफ ईशान है जो टेक्निकली साउंड है, क्रिकेट के शॉट्स अच्छे कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन अक्षय का एक ही मैसेज है, हम है सीधे साधे अक्षय और सिर्फ लगाते हैं छक्के चौके, इनका डीलिंग करने का तरीका अलग है। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी इस बार, यस ईशान, ईशान को थोड़ा सा बुरा लग गया कि यस अक्षय ने मेरा भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस मैच में, अगर जीत हुई है तो हमारी साझेदारी से हुई है। एंड हियर कम्स द कैप्टन, आपको ट्रॉफीज नजर आ रही है इस वक्त टॉस बॉक्स में। 2 अप्रैल 2011 का वो मौका था जब MSG ने छक्का लगा के अपनी टीम को मैच जिताई थी, और इस बार कैप्टन है अक्षय, क्या वापस से वो आपको रिकैप देखने मिलेगा MSG स्टाइल। 2 अप्रैल 2011 का दृश्य, ट्रॉफी बिल्कुल सेम नजर आ रही है, सेम ट्रॉफी थी, डिजाइन आप देखोगे तो आपको 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नजर आएगी एंड कैप्टन नजर आएंगे स्ट्राइक पर। और बिल्कुल मौका है, दस्तूर है, सिर्फ कुछ रन दूर है, अब देखते हैं क्या विनिंग स्ट्रोक निकलेगा। नहीं 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 नहीं, अभी मौका है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चैनल ऑफ नहीं करने हैं, अभी मजे लेने हैं, अभी यहां पर मैच खेलने आए, मैच का आनंद लेते हुए, जो टीम हारेगी जरूर उसका सफर यहां पे समाप्त होगा एंड ओनली वन रन रिक्वायर्ड। अगर ये गेंद खेल जाते हैं, झेल जाते हैं तो शायद नेक्स्ट बॉलर फीमेल क्रिकेटर होंगी। ओहो जानते थे एंड यस दिस इज द स्पिरिट ऑफ द गेम, आपको सभी को बराबर का मौका देना है एंड लेट्स सी अब क्या टीम वन आर्किटेक्ट्स की ओर से क्या फीमेल गेंदबाज आएंगी। मात्र एक रन दूर है, मात्र एक कदम दूर है, बिल्कुल यहां पर दहलीज पे खड़े हैं, टांग ऊपर लिए सिर्फ दहलीज पे पैर रखने हैं और आप बिल्कुल एंटर कर जाओगे सेमीज में, जस्ट वन रन अवे फ्रॉम द रेस टू द सेमीज एंड जो टीम हारेगी एज पर द फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट नॉकआउट मैच है, आपका सफर यहीं पर समाप्त होगा। सो टीम वन आर्किटेक्ट्स एंड टीम एम मोजर्स अब यहां पर मैच में महज और महज औपचारिकता बाकी है, फीमेल क्रिकेटर देखते हैं कितनी दूर तक यहां पर पुल करेंगे मैच। एंड हियर कम्स द फीमेल बॉलर, क्या बात है, क्या तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है एंड पहली गेंद पर अच्छी गेंदबाजी है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो 6 गेंदबाजों ने मिलकर नहीं किया शायद फीमेल क्रिकेटर वो कर पाएंगी। यस विकेट विकेट और विकेट, ओनली वन क्वेश्चन हियर विकेट एंड दिस इज ऑफिशियली एंड ऑफ दिस मैच एंड वी हैव अ विनर एंड विनिंग टीम इज टीम एम मोजा, कांग्रेचुलेशंस। खत्म होने वाला था उसके पहले नाम पूछ लेना फट से क्योंकि उनका नाम एक बार जाए।